अच्छा, प्लेलिस्ट तो हमने ऐड कर ली, बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल फाइल्स? इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि वर्डप्रेस आपको कैसी फाइल्स अपडेट या अपलोड करने की ऑप्शन देता है और उसको आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंट फाइल टाइप्स दैट वर्डप्रेस अलाउज यू टू अपलोड ऑन योर वेब सर्वर. So we will get to know more about that, and here you will learn कि आप एक audio, video file या किसी भी तरह की एक और file कैसे अपनी WordPress website में upload कर सकते हैं. अभी तक आपने ये सीखा कि बेशक pages हों, बेशक posts हों, बेशक custom posts हों, every action या every section allows you to upload file through this button that is called add media. और अभी तो आपने ऐड मीडिया के बटन से और भी बहुत बहुत कुछ करना है. सो स्टे विद अस. सो द प्रोसेस इज द सेम एज एडिंग एन इमेज और प्लेलिस्ट. अगर आपने ऑडियो फाइल अपलोड करनी है या वीडियो फाइल अपलोड करनी है, प्रोसेस इज प्रेटी मच द सेम. आप उसी तरह ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप करेंगे, या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. सो क्वेश्चन जो आपके जेन में आएगा वो ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेलिस्ट एंड अ सिंगल फाइल. अ प्लेलिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, वाइल अ सिंगल फाइल शोज अप राइट देयर. सो ये एक थोड़ा सा फर्क है, और आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों को अपलोड करने में. अगर तो आप बहुत सारी मीडिया फाइल्स दिखा रहे हैं, देन अ प्लेलिस्ट माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. बट अगर आप एक सिंगल फाइल पे अपना फोकस दिखाना चाह रहे हैं, देन द राइट ऑप्शन इज टू अपलोड अ सिंगल फाइल. तरीका क्या है? तरीका वही है, आप एड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे. आप जो भी अपनी फाइल अपलोड करेंगे, आपको पुरानी वो ऑप्शन दिखाएगा, बाकी फाइल्स दिखाएगा, और वहां से आप या तो किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं या एक नई फाइल, बेशक वो वीडियो हो, बेशक वो ऑडियो हो, बेशक वो फ्लैश फाइल हो, SWF या PDF हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं. विल बी गिविंग यू शॉर्ट एंड स्वीट एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज फाइल टाइप्स. डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट एम्बेड मीडिया प्लेयर, क्योंकि हर तरह की फाइल को आप या लिंक कर सकते हैं या आप उसको उधर ही दिखा सकते हैं व्यूएबल फॉर्म में. सो डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट द एम्बेड मीडिया प्लेयर का जो एक बटन है जो आपको नजर आएगा. सो जिस तरह मैंने आपको बताया, यू हैव द चॉइस टू एम्बेड और लिंक. इट्स बेटर टू एम्बेड ताकि लोगों के पास वो कंटेंट एक व्यूएबल फॉर्म में नजर आए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखिएगा कि फाइल नेम्स शुड बी सर्वर फ्रेंडली. सर्वर फ्रेंडली से मुराद है कि एक सर्टन वे है जिसमें फाइल्स अगर अपलोड हों तो दे डू नॉट कॉज ट्रबल विद योर सर्वर. सो कीप इन माइंड टू अपलोड द फाइल्स इन दिस सर्वर फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट. ये सर्वर फ्रेंडली फाइल फॉर्मेट आखिर क्या है? सो मेक श्योर कि आपकी फाइल्स में किसी तरह की स्पेसेस ना हो. इट इज़ प्रेफर्ड. अगर स्पेसेस हों भी तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली निकाल देगा, बट कोशिश करें कि उसके अंदर स्पेसेस ना हो. उसमें कोई अपोस्ट्रोफी या कोई एक जो कॉलन होता है वो ना हो. उसमें किसी किस्म की स्लैशेस ना हो फाइल में. एंड रिमेंबर टू रीनेम द फाइल बिफोर अपलोडिंग. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्डप्रेस विल रीनेम इट फॉर यू. क्वेश्चन आपके जेन में आएगा कि क्या मैं PDF या बाकी तरह की फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ? सो वर्डप्रेस अलाउज यू टू अपलोड वेरी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मैट्स. अगर वो फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड है तो वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली अपलोड करके आपको दिखा देगा. अगर वो सपोर्टेड नहीं है तो वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकेंगे. आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा. व्हाट फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड? यू कैन गो एंड चेक ऑनलाइन. इट्स अ ह्यूज लिस्ट, बट PDFs, एनी इमेज टाइप, एनी ऑडियो टाइप, एनी वीडियो फाइल्स आर सपोर्टेड. सम फाइल्स आर नॉट सपोर्टेड बिकॉज दे आर अ सिक्योरिटी रिस्क. सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, EXE, PHP files, you would not be able to upload.
एक और क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा, व्हाट विल हैपन इफ आई अपलोड अ फाइल दैट इज नॉट सपोर्टेड टू वर्डप्रेस? वर्डप्रेस विल ब्लॉक इट, बट यू कैन एनेबल थ्रू सर्टन प्लगइन्स अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल्स अपलोड करना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन आपके जेहन में आएगा कि कैन आई अपलोड अ फाइल टाइप दैट इज नॉट सपोर्टेड बाई वर्डप्रेस? अगेन द क्वेश्चन इज वेरी मच आंसर्ड बाई मी ऑलरेडी, एंड द आंसर टू दैट इज अ क्लियर येस। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द लॉग इन स्क्रीन एंड लॉग इन फ्रॉम देयर। लॉग इन करने के बाद उसी तरह मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूंगा। याद रहे पोस्ट आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां से भी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द वर्डप्रेस टूल बार एंड आई एम गोइंग टू नेम दिस, दिस इज अ टेस्ट पोस्ट, हेलो वर्ल्ड। सो एड मीडिया का अगर मैं बटन दबाऊंगा तो नाउ आई हैव द ऑप्शन टू एड फाइल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एडेड टू दिस मीडिया लाइब्रेरी, या मैं कोई नई फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ। सो पहले एक ऑडियो फाइल अपलोड करके हम देखते हैं। ये ऑडियो फाइल है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट पोस्ट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लेयर आ गया है। सो दिस मीन्स दिस फाइल इज़ नॉट लिंक्ड, दिस फाइल हैज़ बीन एडिट डायरेक्टली। और अगर मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको सामने ये फाइल नज़र आएगी। बट आई कैन एडिट दिस एंड आई कैन चेंज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फाइल एज वेल, के मैं उसको प्रीलोड करना चाह रहा हूँ, मैं उसको ऑटो प्ले करना चाह रहा हूँ, मैं उसको लूप करना चाह रहा हूँ कि बार बार ऑडियो लूप होता रहे। दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आई हैव। बट अनदर थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन रिमूव दिस एंड आई कैन ऐड दिस मीडिया फाइल अगेन, और आई कैन ऐड अनदर मीडिया फाइल। सो अगेन ये कुछ ऑप्शंस है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं, एम्बेड करना चाह रहे हैं, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज हियर एज वेल। अब आप देखेंगे कि फाइल का एक लिंक आया है, इट हैज़ नॉट बीन एम्बेडेड। सो ये कुछ तरीके से दिस इज़ हाउ इट्स अ लिटिल डिफरेंट। उसके अलावा अगर मैं इसको एक वीडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आई कैन जस्ट ऐड मीडिया एंड आई कैन क्लिक दिस लाइन की एक सैम्पल फाइल, ये 3GP है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको लिंक के तौर पे इंसर्ट करूँगा तो ये लिंक के तौर पे यहाँ पे शो होगी। बट इफ आई डू दिस एज एन एम्बेडेड फाइल, और अगर वर्डप्रेस उस मीडिया फाइल को सपोर्ट करता है तो वो एम्बेडेड की ऑप्शन देगा, बट एज यू कैन सी वो उसको एम्बेड नहीं कर सकता बिकॉज वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ दैट। बट फॉर 3GP फाइल्स, बट फॉर MP4 वो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आई कैन ऐड दिस एज एन एम्बेडेड फाइल। तो व्हेन आई क्लिक ऑन एम्बेडेड इट विल शो दिस, और इस दफ़ा मैं पब्लिश का बटन क्लिक करूँगा ताकि ये पोस्ट एक्चुअली मेरे फ्रंट पेज पे भी नज़र आए। सो व्हेन आई गो टू DigiSkills विद साद हामिद आई कैन सी एन एम्बेडेड MP4 फाइल जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लाइव इसको देख सकते हैं। सो दैट्स अ फ्यू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यू कैन ऐड डिफरेंट सिंगल फाइल्स, नॉट प्लेलिस्ट, सिंगल फाइल्स। बट व्हाट हैपन्स इफ यू ऐड अनदर फाइल टाइप? मैं आपके सामने एक PDF फाइल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको अपलोड करूँ तो इट विल अगेन गिव मी अ फ्यू ऑप्शंस। आप देख रहे हैं कि एम्बेड की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि PDF फाइल्स कैन नॉट बी एम्बेडेड, दे विल ऑलवेज बी लिंक। सो मैं इसको अगेन इंसर्ट करूँगा, PDF का अगेन यहाँ पे लिंक आ गया। बट लेट्स ट्राई टू ऐड अ फाइल टाइप विच वर्डप्रेस माइट एक्चुअली ब्लॉक। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही क्लिक किया टू ऐड अ फ्लैश फाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है .swf, वर्डप्रेस ने मुझे अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं किया, और वर्डप्रेस कह रहा है कि सॉरी दिस फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। So in these certain cases, you can always go and install a plugin. So ये functionality add करने के लिए हम एक plugin add करेंगे जिसका नाम है SWF. So मैं add SWF के साथ इसको एक keyword लिखूँगा और मैं देखूँगा कि मैं ये plugin मुझे यहाँ पर available है। I can and I've just added this plugin already क्योंकि मुझे यहाँ पर activate का एक option
blurred out nazar aa raha. So I can just go to installed plugins and I can see that this plugin has already been activated. Ab main jaunga ek nayi post pe, balki I can go back to that post that I created and I can see if it gives me the option to add this SWF file or not. So I can click on add media, I'll go and select files and I'll upload. Aur ab aap dekh rahe hain ki it has suddenly magically allowed me to upload this file. And again, because WordPress does not support this embedding, to wo mujhe sirf link karne ki option de raha hai. I can just click and update and I can go and check my home page aur aap dekhenge ki wo SWF file, flash file yahan pe nazar aa rahi hai. So this is a simple and great way to add new types of files to your WordPress. WordPress is an amazing media manager. Different tarah ke files aap is pe upload kar sakte hain, dekh sakte hain. In features ko use karein apni website ko enhance karne ke liye and to make your website more and more powerful.